गुड मॉर्निंग सेंटियंस, वेलकम टू योर मैरीगोल्ड क्लास. टुडे वी रीड क्लास फोर्थ ऑफ चैप्टर द मिल्कमैन्स काउ. लास्ट क्लास में हमने मिल्कमैन्स काउ का चैप्टर हमने रीड किया था. इस क्लास में हम रीडिंग इज फन एंड चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे एंड न्यू वर्ड्स. So new words of the chapter is इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं जो हमने सीखे हैं. तो यहाँ हमने फर्स्ट वर्ड है बैग्ड. बैग मीन्स निवेदन करना या प्रार्थना करना. ओके, टग्ड. टग मीन्स खींचना एंड खींचना. ग्लैमिंग. ग्लैमिंग मीन्स चमकना. ग्लैमिंग मीन्स चमकना. ट्विलिंग. ट्विलिंग मीन्स चक्कर खाना या चक्कर लगाना. ग्रॉसर. ग्रॉसर कौन होता है? किराने वाला. ओके, स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मीन ताकत. जिंगलिंग. जिंगलिंग कहाँ हमने पढ़ा था? आइसक्रीम. आइसक्रीम मैन जो होता है उसकी कार्ट पे. ओके, कार्ट जो होती है वो जिंगलिंग करती है. तो जिंगलिंग मीन्स टन टन की आवाज. ओके, जिंगलिंग मीन्स टन टन की आवाज. ये क्या है? शिव्ड. नेक्स्ट क्या है? शिव्ड. शिव्ड मीन्स क्या होता है? बंडल ऑफ ग्रास. जो लिटिल बॉय ग्रास लेके आया था काऊ को खिलाने के लिए, तो बंडल ऑफ ग्रास. ठीक है, चियू मीन्स चबाना. जो काऊ थी वो क्या कर रही थी? चियू कर रही थी उस ग्रास को. ओके, चबाना. यहाँ क्या है? ट्विल. ट्विल मीन्स घुमाना. जो हमने चैप्टर में पढ़ा था ट्विल. ट्विल कौन करता है? जो पुलिसमैन था वो ट्विल करता है. किसको? अपनी स्टिक को. ओके, यहाँ क्या है? ग्रिम्ड. ग्रिम्ड मीन्स मुस्कुराना. कौन मुस्कुरा रहा था? जो रेसलर है वो मुस्कुरा रहा था. ओके, एंड वुड. वुड मीन्स क्या होता है? चीखना. चीखना. तो कौन चीख रहा था? आइसक्रीम मैन. ओके, आइसक्रीम मैन. क्लेवरनेस. क्लेवरनेस मतलब चतुराई. तो उस जो लिटिल बॉय था उसने क्या दिखाई? चतुराई दिखाई. ओके, सो नाउ वी रीड. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन आंसर्स. व्हाई डिड द काऊ रिफ्यूज टू गेट अप? व्हाई डिड द काऊ रिफ्यूज टू गेट अप? काऊ वहां से उठने से क्यों मना कर रही थी और क्यों नहीं उठ रही थी? सो आंसर इज द काऊ रिफ्यूज टू गेट अप बिकॉज इट वॉज इन अ बैड मूड. काऊ क्या थी? बैड मूड में थी. दैट्स वाई वो वहां से उठने से मना कर रही थी एंड नहीं उठ रही थी. नेम दूज वो ट्राई टू मेक द काऊ मूव. नेम उनके नेम बताओ जो उस काऊ को हटाने मूव करने के लिए ट्राई कर रहे थे. उन्होंने ट्राई किया था. सो आंसर इज मिल्कमैन, पुलिसमैन, ग्रॉसर, आइसक्रीम मैन, रेस्लर एंड द लिटिल बॉय. ओके, वो फाइनली मेड द काउ गेट अप एंड हाउ. कौन, किसने फाइनली मतलब अंत में किसने उस काउ को गेट अप मतलब उठाया, वहां से हटाया एंड कैसे? सो इसका आंसर हम यहाँ देखेंगे. अ लिटिल बॉय फाइनली मेड द काउ गेट अप. लिटिल बॉय जो छोटा लड़का था उसने क्या किया? काऊ को वहां से हटा दिया. अंत में ही गेव द काऊ. कैसे हटाया? वो यहां लिखेंगे ही गेव द काऊ. सो बिकॉज हाउ कैसे हटाया था वो हम इसी आंसर में लिखेंगे. ही गेव द काऊ अ बंडल ऑफ ग्रीन ग्रास. उसने क्या दिया काऊ को? बंडल ऑफ ग्रीन ग्रास, जो हरी घास जो होती है उसका बंडल दिया. द काऊ इमीडिएटली गॉट अप. काऊ इमीडिएटली गॉट अप. जो काव थी वो जल्दी से उठ गई वहां से एंड बिगेन टू च्यू द ग्रास. और कहाँ आ गई? चबाने के लिए, ग्रास को चबाने के लिए, खाने के लिए. ओके, द बॉय देन लेड हर टू गो द साइड. द बॉय ने क्या किया? वो उसे धीरे धीरे साइड में लेके आया, रोड की साइड में. ओके, सो योर क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट. योर क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीट. नाउ लेट्स टॉक. अब हम ये करेंगे टेक टर्न टू कंटिन्यू द स्टोरी टू ऑफ द काऊ ऑन द रोड. ईच चाइल्ड कैन से वन लाइन टिल द स्टोरी इज कम्प्लीट. ये एग्जाम्स में नहीं आता है और ना ही आपके काम का है, तो हम इसे छोड़ देंगे.
वी कैन मेक पीपल डू मोर थिंग्स विथ काइंडनेस देन विथ क्रूली और फोर्स. डू यू अग्री? वॉट डू यू थिंक? टेल द क्लास अबाउट अ टाइम वैन यू वर काइंड अ एनिमल. तो यहाँ भी क्या है, कभी कभी काइंडनेस से भी काम हो जाता है क्रूल और फोर्स के अलावा. मतलब फोर्स मतलब ताकत दिखा के और क्रूल होने के बिना भी काइंडनेस की वजह से काम हो सकता है. क्या हम इससे एग्री करते हैं? तो हम इससे एग्री करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे यस. ओके, थर्ड क्वेश्चन. डू यू डू एन एक्शन ऑलवेज इन द सेम वे? फर्स्ट ए इज हाउ डू यू टॉक टू विजिटर? आप किसी विजिटर से कैसे बात करेंगे जो यहाँ घूमने आते हैं? तो हम कैसे बात करेंगे? रेस्पेक्टफुली. ओके, हाउ डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड? आप अपने फ्रेंड्स से प्लेग्राउंड में कैसे बात करेंगे? नॉर्मली, जिस तरीके से नॉर्मल बात करते हो उस तरीके से. हाउ डू यू टॉक टू योर टीचर इन द क्लास? आप अपनी क्लास में टीचर से कैसे बात करेंगे? स्मार्टली. ओके, टर्न द पेज. सर्कल द वर्ड दैट डिस्क्राइब अ बॉय. इस जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने बॉय के बारे में पढ़ा था कि बॉय क्या क्या है. बॉय क्या था? क्रूल था? नो, इज नॉट क्रूल. क्लेवर था? यस, ही इज अ क्लेवर. तो हम सर्कल करेंगे. बिग था? नो. काइंड? यस, तो काइंड पे करेंगे. हैप्पी? यस, तो जेंटल, ये जेंटल भी था. ओके. एंग्री था? नो. लिटिल था? यस, ही इज लिटिल. तो जो जो हमने इस चैप्टर में बॉय के बारे में पढ़ा था उस पे सर्कल करना है. फाइंड द फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन एट द एंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के एंड में वर्ड दिया हुआ है, उनमें से कोई एक हमें चूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है. इंसेक्ट्स कैन क्रॉल ऑन द वॉल. इंसेक्ट्स जो कहाँ चलते हैं? वॉल पे चलते हैं. तो कैन वहाँ इंसेक्ट चल सकते हैं. ओके, तो कैन लिखेंगे. द ग्रॉसर वॉज अनेबल टू मूव द काउ. ग्रॉसर ने हटा दिया था काउ को? नो, ही इज नॉट अनेबल. तो यहाँ क्या लिखेंगे? अनेबल. इट वॉज ईजी फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप. क्या बॉय के लिए बहुत डिफिकल्ट था? नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ईजी था बहुत. तो हम ईजी लिखेंगे. चिल्ड्रन फिर डैश वॉक ऑन देयर हेड्स. तो कैन और कैन नॉट, तो क्या आएगा? कैन नॉट. Sometimes love and kind may succeed when force will fail. जब ताकत और strong वो fail हो जाता है तो क्या काम आता है? Love and kind. Okay, तो यहाँ क्या आएगा? Success and यहाँ पे आएगा fail. Okay, we should be kind to animals. हमें animals के साथ में क्या होना चाहिए? Kind and cruel. क्या होना चाहिए? Kind होना चाहिए. Okay, तो हम यहाँ लिखेंगे kind. सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब हम यहाँ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या कन्वर्ट करना है? सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे ये वर्ब्स दिया हुआ है जो हमने चैप्टर्स में पढ़ी थी कुछ चीजें. तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ पे ट्रांसफर करना है? सिंपल पास्ट टेंस में. तो पूल का पूल्ड ईडी लगा के हम थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे. ओके, लीड तो लीड का लीड, कम का केम, से का सेड, बिगेन का बिगेन, एंड नो का न्यू, लर्न का लर्न, ग्रो का ग्रू, प्रे का प्रेड, टग टग का टग. ओके, डू यू थिंक इफ द मैन स्माइल्ड एट द एंग्री काउ शी विल बी काइंड टू हिम? अगर कोई काउ एंग्री गुस्से में है एंड द मैन स्माइल, वो स्माइल कर रहा है तो क्या होगा? शी विल बी काइंड, तो क्या वो काइंड हो जाएगी उसके साथ में? नो, तो यहाँ क्या आएगा? नो. ये आपका एक्सरसाइज वर्क. कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन दिस ड्रॉइंग. व्हाट वर्क डू दिस मैन और वुमेन डू? अ मिल्कमैन. मिल्कमैन क्या करता है? डिलीवर मिल्क. क्या करता है? डिलीवर मिल्क. यहाँ पे ये मिल्कमैन. मिल्कमैन हमें कैसे भेजाना? यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है, उसमें दूध डाला हुआ है, तो यहाँ पे क्या, ये मिल्कमैन है. ओके, डिलीवर मिल्क, मिल्क डिलीवर करता है. ओके, अ ग्रॉसर. ग्रॉसर कौन होता है? सब्जी बेचने वाला, किराने वाला. ओके, यहाँ पे सब्जियां रखी हुई है. ओके,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स बेचता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. ओके, अ पुलिसमैन, यहाँ पे ये पुलिसमैन, ये सिटी, यहाँ पे उसका कैप लगा हुआ है पुलिस वाला. ओके, पुलिसमैन प्रोटेक्ट हिज सिटीजन्स, वो अपने सिटीजन्स, यहाँ रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है. आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन क्या करता है, ये आइसक्रीम कार्ट है. ओके, ये आइसक्रीम मैन है. यहाँ पे क्या, आइसक्रीम मैन क्या करता है, सेल आइसक्रीम, क्या बेचता है, आइसक्रीम. ओके, रेसलर, यहाँ पे ये रेसलर, यहाँ पे ये बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनके पास जो होता है वो ये चीजें यहाँ रखी हुई है. एंड अ रेसलर इज एन एथलीट वू फाइट फॉर एंटरटेनमेंट. जो एथलीट होता है, जो रेसलर होता है वो क्या होता है, एथलीट होता है, ठीक है, जो कि फाइट करता है एंटरटेनमेंट के लिए. ओके, यहाँ पे क्या, पिक्चर स्टोरी. सो लास्ट एक्सरसाइज इज मैच पिक्चर टू द टेक्स्ट एंड गिवन एन एंडिंग टू द स्टोरी बाय ड्रॉ अ सिक्स पिक्चर गिवन अ टाइटल. सिक्स पिक्चर का टाइटल हमें देना है, ठीक है. यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं, एक मोटा आदमी है वो गधे पे बैठा है, एक छोटा आदमी है जो एक लड़का है वो गधे पे बैठा है. तो यहाँ पे क्या है, ही इज अ हैवी. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ही इज हैवी. तो यहाँ पे क्या, ये हैवी है. तो यहाँ पे ये जो डंकी है वो क्या हो गया, दब गया, ठीक है. तो यहाँ पे ही इज यंग, वो बहुत छोटा है, यंग, ठीक है. तो थर्ड पॉइंट इज आई एम सैड, आई एम सैड, यहाँ पे ये अपसेट है. ओके, फोर्थ इज आई एम हैप्पी नाउ. तो ये क्या, आई एम हैप्पी नाउ. यहाँ पे इसके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ, सब आगे चल रहे हैं. एंड फिफ्थ इज दे आर स्ट्रांग, दे आर स्ट्रांग, उसे उठा के लेके जा रहे जबकि वो चल सकता है. ओके, तो सिक्स में हम क्या लिखेंगे, नाउ फाइनली वी आर एट अवर होम. फाइनली वो कहाँ होते हैं, अपने घर पे होते हैं. ओके, नाउ फाइनली वी आर एट अवर होम, हम अपने घर पे पहुंच गए. तो हम यहाँ लास्ट ये लिखेंगे, तो चैप्टर एक्सरसाइज इज कंप्लीट, चैप्टर सिक्स इज कंप्लीट. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. स्टे लर्निंग, हैव अ नाइस डे.